नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों को 10th क्लास का पूरा बायोलॉजी का चैप्टर मैं इस वीडियो के द्वारा कवर कराऊंगा। तो चलिए आज सबसे मैंने पहले बता दूं, फर्स्ट लेसन जो है आप लोग का बायो में जो जैव प्रक्रम और पोषण, तो मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छा तरीके से समझाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और चलिए मैं बताता हूँ कि जैव प्रक्रम पोषण क्या है। जी हाँ, जय प्रक्रम पोषण। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जय प्रक्रम पोषण किसे कहते हैं। तो जय प्रक्रम पोषण किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाती है। हम जीव हैं, हमारे जैसे जीवधारी जो होते हैं, जान है, जीव है ना, तो उनके अंदर जो क्रिया होती है वो क्रियाएं जीवों का अनुरक्षण करती है। जीव का क्या करती है, अनुरक्षण करती है। वैसे प्रक्रिया को, वैसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, जय प्रक्रम कहते हैं। दूसरी बात है कि अब के जय प्रक्रम की बात तो हो गई, लेकिन अब आता है पोषण। पोषण आता है तो वह विधि जिसमें जीवों का पोषक तत्वों की ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। वह विधि जिस विधि से हम क्या करते हैं, जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, कोई तत्व को क्या करता है, ग्रहण करता है ना, उनका उपयोग करते हैं। कोई चीज को लेकर ग्रहण करके हम पाकर है ना, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वैसे को हम क्या कहेंगे, वो पोषक कहलाता है। आइए मैं बताता हूं कि पोषण की विधियां। जी हाँ, पोषण की विधि, चलिए चलिए देखिएगा पोषण की विधि। तो पोषण की विधि जो है, फर्स्ट नंबर स्वपोषण होता है ना, और एक होता है परपोषण। आई मीन जानिए कि पोषण की दो हाथ, जिसे हम लोग का इंसान मनुष्य है, मनुष्य का दो हाथ है ना जी, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। तो ठीक उसी प्रकार से समझिए कि पोषण का दो विधि है, दो हाथ दो हैंड्स है ना, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब देखिए परपोषण के तीन प्रकार, परपोषण के कितने प्रकार, तीन प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी पोषण। ठीक है, परपोषण के तीन प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। चलिए मैं स्वपोषण की बात कहूं तो स्वपोषण किसे कहते हैं। जी हाँ, स्वपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी खुद स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब आसान तरीके से कहा जाए कि ऐसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर है ना, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन खुद तैयार करता है ना, खुद बनाता है ना, खुद तैयार करता है, उस जीव को हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, वो दूसरे किसी पर निर्भर रहता है या नहीं रहता है, बोलिए, निर्भर रहता है, नहीं, मनुष्य निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन खुद खोजता है, खुद बनाता है, खाता है, तथा खाता भी है, और दूसरे जीव, वो जीव जो होते हैं जो दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं, ताकि जैसे मान के चलिए कि खूंटा में बंधी हुई गाय है ना, पालतू जानवर है ना, इसी औदस भी जानवर जो होते हैं मनुष्य से लगाव रखते हैं, ताकि ये देगा तो हम क्या करेंगे, खाएंगे, तो वो क्या अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकता है, ना ही वो अपना भोजन बना सकता है, वो हम जैसे मनुष्य पर हमेशा क्या रहता है बाबू, डिपेंड रहता है, आधारित रहता है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी, स्वपोषण नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे मैं चैप्टर बताऊंगा आप लोगों को, देखिएगा परपोषण की तीन प्रकार है ना, परपोषण की तीन गोशाली कुछ ऐसे छात्र होते हैं, छात्र क्या, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, कोई काम आ रहा है जिसकी बहन बोल देगी तो नहीं जाओ मार्केट, थोड़ा सा मेरा सामान लेते आओ है ना, थोड़ा क्रीमें लेते आओ, पाउडर लेते आओ, चाहे मेरा कॉपी खरीद लेते आओ, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ लड़का होता नहीं जाएगा है ना, वही मार्केट पकड़ के जा रहा है, रास्ते के किनारे है ना, किसी प्राणी का घर हो तो एक बार नहीं 36 बार जाएगा है ना, घर के लोग कोई काम दूसरे को आएंगे तो कहे क्या करेगा ना, दे दे हमको, तो नहीं दे, कहा जाता है बार बार 36 बार चक्कर मारने को मिलता है, समझ गए आप किसका चक्कर मारता है, अरे वही गर्लफ्रेंड का चक्कर मारता है, 20 बार जाएगा, आएगा आएगा जाएगा आएगा, जब मन भर जाएगा तब जाएगा सामान खरीद लाएगा है ना, जिंदगी ऐसे ही, तो वो बताइए वो किस पर आधारित रहता है, वो कौन पोषण है जी,
उलट खोरवा पोषण पकड़ा गया तो उन्हें मार मारेगा सभी पोषण उसका निकालेगा, ठीक है। उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग इस पोषण पर ध्यान देना है। तो पर पोषण तीन, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। चलिए तो आइए मृतजीवी पोषण की बात कहूं। तो देखिए मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन, देखिएगा सुनिए, इस प्रकार के पोषण से जीव जो होते हैं है ना, मृत जंतुओं जो मर गया हो, जो जंतु मर गए हो, मृत हो गए हो है ना, मृदा हो गए हो, उन जंतुओं और पौधों के शरीर से, पौधों के शरीर से, पौधा है उसके शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। और आसान भाषा में कहे जाने वाले शब्द जो हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं या कहा जाते हैं, ठीक है। वैसे जीव अपना भोजन जो मृत पोषण के द्वारा जो मर गए हैं है ना, छोटे छोटे मान के चले कीटाणु जो छोटे छोटे मर गए हैं है ना, वो भोजन कोई खाता है, चील जो है, बाज जो है आकाश में उड़ता है और देखता है कि कोई मरा हुआ जानवर हो है ना, उतरता है और खूब हौक छौक के खाता है ना, खाता है ना खूब, तो वो मृत जीवी का शिकार करता है ना, भोजन करता है। तो ऐसे मृत पोषण मृत जीवी पोषण कहे जाएंगे। चलिए अब परजीवी की बात कही जाए कि परजीवी पोषण क्या है, तो जी हाँ परजीवी पोषण, ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी ऐसे जीवों का भोजन, ऐसे जीवों का भोजन जो क्या अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है, इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। इस प्रकार के भोजन करने वाले क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। हाँ, जिसे हमारे शरीर में हमारे बाल में, अरे देखो एक बार बताया था आपको पिछली वीडियो में खोरा खोरी के बारे में है ना, बताया था ना, जैसे बहुत लोग के बाल में क्या जू पड़ जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो भोजन है, जो ब्लड है हमारे ही शरीर में घुसकर हमारे ही शरीर का भोजन क्या करता है, नोच कर आराम से मस्ती में खा रहा है ना, जैसे मच्छर है रात में सोया है, आकर मच्छर बेचारा खींच ले गया है ना बिना पूछे है ना। हम छोटे थे तब टीचर हमारे कहा करते थे, देखो बच्चों कभी जीवों को मारना नहीं, जीवों को मारोगे तब जाकर वो काटता है। हम पूछते हैं कि आज हम बड़े हो गए हैं, कुछ हमारे अंदर ज्ञान है, तो हम पूछते हैं कि इस दुनिया में है ना, इस संसार में कोई मच्छर को नहीं मारता, फिर भी मच्छर आकर काटता क्यों है, काटता क्यों है, बगैर पूछे काटता है, बिना मारे काटता है, इसलिए काटता है कि हमारे शरीर का भोजन उसके लिए सहायक प्रदान करती है, क्योंकि वो परजीवी पोषण है, हम परजीवी, वो परजीवी है ना, आकर परजीवी, परजीवी दूसरे पर जीवित रहना, दूसरे के आधारित पर जीवी रहना, वो परजीवी, ठीक है। अभी मत कह दीजिए कि पत्नी जो होती है पति का परजीवी होती है, आधारित होती है, अपना से बना के खा सकती है, ठीक है। हाँ, आजकल की पत्नी देखें आप लोग, आजकल की पत्नी 5G आ रही है, 5G हाँ, कान में ईयरफोन लगा लिए, झाड़ू ले लिए, मार मार डिस्को डांस कर रही है, हमने सासु माँ जो है झाड़ू मार के डांस करते हैं, 5G का जमाना आ गया है, 5G अभी इंसान भी होने लगा है, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को, तो दूसरे पर क्या होता है, निर्मित रहता है, आधारित रहता है, वो परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए प्राणी संपोषण क्या है बाबू, तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस मतलब जानते हैं कठोर होता है, तरल मतलब तरल पदार्थ होता है जो तेल में तला जाता है, तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, मार जानवरों का मार के मार चोर ले लो बड़ा खा जाता, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण क्या कहलाते हैं, तो इस प्रक्रिया जैसे मैं बता दूं, इस प्रकार का पोषण अमीबा में होता है, मेढक में होता है और मनुष्य में भी होता है, ठीक है। तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक था जैव प्रक्रम पोषण, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैं फिर दूंगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा साथ साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं ले लीजिए, फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।